कांग्रेस पार्टी के गढ़ कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेला है मास्टर स्ट्रोक। एक दिन वो रैली करेंगे, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी पर हमला करेंगे और अगले ही दिन ऐप के जरिए वहां पर सीधे अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनता से मुखातिब होंगे। इसी कड़ी में आज नरेंद्र मोदी ने वहां पर किसानों से ऐप के जरिए की है बातचीत। कर्नाटक में बीजेपी की हवा नहीं, आंधी चल रही है। आंधी कांग्रेस मुक्त भारत। पूरे देश को केसरिया रंग में रंगने के लिए उतरे मोदी के सामने अब कर्नाटक है। सूरज जब ढलता है तो लाल रंग का होता है और जब सूर्योदय होता है तो केसरिया रंग लेकर के निकलता है। सारे रंग केसरिया रंग में रंग गए। कल मोदी ने एक दिन में तीन बड़ी रैली कर चुनावी शंखनाद किया तो आज हाईटेक ऐप के जरिए गरीब किसानों के दिल में उतरने की कोशिश की। बड़े आत्मविश्वास के साथ बोलिए, भूतकाल में सरकारों ने झूठ बोला है। सबसे पहला काम किसान के साथ आंख में आंख मिला करके, जमीन पर उसके साथ बैठ करके, ये धरती मां की मिट्टी हाथ में लेकर के विश्वास से बोलो कि मोदी जी की सरकार है, हम 2022 में किसान की आय दोगुना करके रहेंगे। देखा आपने कैसे पीएम मोदी ने ऐप के जरिए कर्नाटक के बीजेपी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं को जीत और किसानों के भरोसे को जीतने का मंत्र दिया, क्योंकि पीएम मोदी जानते हैं कि किसानों का दिल जीत लिया तो कर्नाटक के कुरुक्षेत्र में राहुल का आखिरी बड़ा किला आसानी से ढह जाएगा। इसलिए जितने भी बजट आए हैं, हर बजट के बाद मीडिया ने, अखबारों ने, हमारे मैगजीनों ने लिखा है कि मोदी का बजट किसान का बजट, गांव का बजट है। और इसलिए कृषि और किसान कल्याण हमेशा से हमारी सरकार का एक चरित्र रहा है, हमारा स्वभाव रहा है, हमारी सोचने का तरीका वही रहा है। कर्नाटक में करीब 78 लाख किसान हैं, जो कर्नाटक की कुल आबादी का करीब 13% है। यानी अगर किसानों का आशीर्वाद मिल गया तो जीत की राह आसान हो जाएगी। आज देश की 64% आबादी पर बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस के पास गिनती के 4 राज्य हैं। कर्नाटक जीतकर मोदी यहां एक बार फिर दक्षिण में बीजेपी के लिए दरवाजा खोलना चाहते हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।